वेलकम स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसकी यूनिट सेकंड पर हम हैं, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो इससे पहले इस यूनिट की जो बेसिक टॉपिक्स थी जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, और ये जो आपको यूनिट बच्चों को हार्ड लगती है उसको ईजी बनाने के लिए हमें उन टॉपिक्स को पहले क्लियर करना, मैंने वो टॉपिक्स आपको पहले कवर अप कराए हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आज हम ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, थोड़ा इसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी क्या होता है या EMFT क्या होता है। बेसिकली आज हम वो समझेंगे, ठीक है। यानी कि आज भी आपका सिलेबस वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के बारे में ही नहीं पता है तो फिर आगे हमें टॉपिक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं। पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक। तो उससे पहले मैं इस यूनिट का आपको सिलेबस भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। वैसे हमने सिलेबस पूरा फिजिक्स का एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है जो आपको पढ़ना है सेमेस्टर सेकेंड में, फिर भी जो सेकेंड यूनिट हम पढ़ने वाले हैं एक बार फिर हम इसको रिकॉल कर लेते हैं क्या सिलेबस है। तो आप देख रहे होंगे टॉपिक है, जो यूनिट का नाम है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। उसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर, लास्ट सेमेस्टर का पेपर देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर, ठीक है। तो पहला ही टॉपिक आपसे एज इट इज वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक। फिर आगे आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके बाद है मॉडिफाइंग इक्वेशन फॉर द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। फिर यानी कि जो उसका ही मॉडिफिकेशन वर्जन है जो कंटिन्यूटी इक्वेशन थी उसका। फिर आगे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मैक्सवेल की इक्वेशंस इन वैक्यूम एंड इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम, और ये इक्वेशंस आप इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल भी पढ़ेंगे और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे आप एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है। तो एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल इक्वेशंस और पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम, ये टॉपिक आपके ऐसे हैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम एंड देयर ट्रांसफर नेचर, ये भी आप पढ़ेंगे कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी क्या इक्वेशन है वैक्यूम में और ट्रांसवर्स नेचर में, ठीक। उसके बाद आप टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है, किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। क्योंकि आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में दो टर्म्स आपकी आ रही है, एक है इलेक्ट्रो और एक है मैग्नेटिक, ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। देन आगे आप पढ़ेंगे एनर्जी एंड मोमेंटम कैरीड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, क्या मोमेंटम कैरी करके चलती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लास्ट में रिजल्टेंट प्रेशर और स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ आपने देखा होगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको मिला जुला कर पढ़ने हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको 4 टॉपिक कवर अप करके, मतलब हाईलाइट करके बता दी हैं कौन कौन से, ठीक है। और 2 मार्क्स के लिए स्किन डेप्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेडिंग भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ए प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है स्पेस की जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा कॉज यानी कि देखी जाती है। ए स्टेशनरी चार्ज विल प्रोड्यूस ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस, जो एक स्टेशनरी चार्ज है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने आसपास स्पेस में। इफ द चार्ज इज मूविंग ए मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, अगर वही चार्ज मोमेंट में आ जाए तो उसमें क्या देखा जाता है कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड
कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑल्सो बाई ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। वहीं पर इसमें ये प्रॉपर्टी भी देखी गई, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसी मैग्नेटिक फील्ड में हम चेंज कर दें तो वहां से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। द म्यूचुअल इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक इंट्रैक्शन होता है तब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ठीक है। देन विच इज कंसिडर्ड एज हैविंग इट्स ऑन एग्जिस्टेंस इन स्पेस अपार्ट फ्रॉम द चार्ज और करंट। उसके बाद हमें क्या मिलता है कि इसकी एग्जिस्टेंस मिलती है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, किससे दूर, किससे अलग, चार्ज से या करंट से अलग, ठीक है। विद विच इट मे बी रिलेटेड, फुल स्टॉप। अंडर सर्टेन सर्कमटेंसेस दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए वेव ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी कि लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम डिस्क्राइब करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेव जो ट्रांसफर करती है या ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी क्या है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे हम समझ पाएंगे, कैसे या फिर क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी एक पैरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको मतलब पूरा रटना नहीं है, इसका मतलब इसको प्रोवाइड कराने का मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी होती क्या है वो चीज यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की जा रही है, समझाई जा रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूव इन स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड, ठीक है। यानी कि जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा स्पेस में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली है कि उसमें जनरेट होगा। अभी तक हमने पढ़ा है कि चार्ज अगर या फिर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वहां से करंट फ्लो होता है, लेकिन वो करंट आपका इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो गया है, लेकिन वहीं पर अगर हम मेजर करें तो उसी के पास में एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, तो उन दोनों कॉम्बिनेशंस को क्या कह दिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आगे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया तो ये कॉम्बिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, फुल स्टॉप। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइन एज लाइट, ये लाइट की फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं, सिंस इट प्रोपोगेट एट द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से प्रोपोगेट करता है। उसके बाद मैक्सवेल लॉ एंड लॉरेंटस फोर्स लॉ डिस्क्राइब द वे करंट एंड चार्जेस इंट्रैक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैक्सवेल का जो लॉ है और लॉरेंटस फोर्स लॉ है वो डिस्क्राइब करते हैं कि करंट एंड चार्जेस इंट्रैक्ट होते हैं विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट्स इन ए वेव फॉर्म। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वो अगर प्रोपोगेट करता है, आगे बढ़ता है, तो वो वेव फॉर्म में होता है, एक वेव की फॉर्म में आगे बढ़ेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर जनरेटेड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कोलाइड्स विद ईच अदर। यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जब जनरेट होंगे और मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। एज ए रिजल्ट, और इसमें रिजल्ट मिलेगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस। फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस पर, हेंस द इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स इन स्पेस, और वो ही फोर्स उनको क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है मूव करने के लिए स्पेस, ठीक है। तो फाइनली अगर हम देखें एक लाइन में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आर मेनली इनविजिबल फोर्स फील्ड वेयर ए फ्लो ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट, जहां पर यानी कि इनविजिबल फोर्स है, एक फील्ड है जहां पर फ्लो ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है।
इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। आई होप अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, किस किस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, कैसे कैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, तो वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इस यूनिट को पढ़ने में फिर आपको मजा आने लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि हम ये यूनिट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि जो चार मेन इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की वो क्या है, और इन्हीं को हम बोलेंगे मैक्सवेल की फोर इक्वेशंस, है ना, मैक्सवेल्स फोर इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, जो मैक्सवेल ने दी थी। तो पहला गॉसेज लॉ है, इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया भी है कि गॉसेज लॉ क्या है, और उसी का फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या करता है, इट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के अराउंड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्क्राइब करेगा। दैट मीन्स टोटल फ्लक्स लाइन इन एनी एरिया इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या फिर हम बोले कि एक क्लोज सरफेस के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर उसमें कितना चार्ज है वो किसके मल्टीपल होता है, वन अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। और गॉसेज लॉ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई डी ए क्लोज सरफेस के क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। देन एक लॉ है गॉसेज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, तो ये अगर देखें तो ये गॉसेज लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये गॉसेज लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म हो जाएगा। ये क्या कहता है, टोटल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो, यानी कि एक क्लोज सरफेस में अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स देखें तो वो क्या होगा, जीरो होगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे, जब हम मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस पढ़ेंगे तो हम इसको डीप में पढ़ने वाले हैं, इन चारों लॉज को, ठीक है। आगे दिया हुआ है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, अब ये क्या कहता है, ए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज्ड ए चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये कह रहा है कि अगर हम फ्लक्स में चेंज करें, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चेंज करें तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ ई डी एल इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी इंटीग्रल ऑफ वी इंटू डी ए, ठीक है। देन लास्ट वन इज द एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ये क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ वी डी एल इक्वल्स टू म्यू आई प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ एप्सिलॉन इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। तो ये चार इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, जो डिस्क्राइब करती हैं अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के नेचर, और इन्हीं को हम आगे जो अलग नाम है वो उससे जानते हैं, मैक्सवेल की फोर इक्वेशंस, ठीक है। तो आई होप इसकी जो चार मेन इक्वेशंस है वो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा, और इन्हीं इक्वेशंस को हमें प्रूफ भी करना है, और यहीं से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है मैक्सवेल की इक्वेशंस का, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अब क्या प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वो समझ लेते हैं। लिखा हुआ है मैक्सवेल इक्वेशंस, जो अभी मैंने चार इक्वेशन आपको ऊपर बताई हैं, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ स्टेट्स दैट, जिसमें फोर्थ इक्वेशन थी वो क्या है, दैट इफ वी चेंज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यदि हम चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड, ठीक है, यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। दिस इज द प्रिंसिपल इन विच इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स, आपने देखे होंगे ना जनरेटर्स लगे हुए, कहीं आप शादी में जाते हैं वहां पर जनरेटर लगे होते हैं, या फिर आप घर पे जो मशीन होती है उसमें जनरेटर्स का यूज करते हैं अपनी मशीनरी को चलाने के लिए, तो उसी में ये लॉ काम आता है। वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में आप चेंज कर रहे हैं और वहां से प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देन सेकेंड, बट एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट इफ वी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। वहीं पर एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, ये तो एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ हो गया, या फिर हम बोले मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पियर्स लॉ है, ठीक है। बट एक्चुअल में जो एम्पियर्स लॉ कहता है वो ये कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करें तो इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है। तो अगर आप देखें दोनों को तो दोनों क्या है, एक दूसरे के वाइस वर्सा है। सो हियर वी कैन सी रेसिप्रोकल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो उनका जो बिहेवियर है वो एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जो सोर्सेज हैं वो दो टाइप के चार्जेस कंटेन करके चलते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देन समटाइम्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड रिपल ईच अदर। कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। आई होप आप लोग इससे जरूर वाकिफ होंगे, क्योंकि 10th में ही एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसकी हेल्प से बताया जाता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी जो आप पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट उसका। आगे देखते हैं क्या है। अब इसकी एप्लीकेशंस भी लिखी हुई हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर एप्लीकेशन लिखी हुई है एक हाउसहोल्ड एप्लीकेशंस, यानी कि घरों में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जैसे लाइट, फैन, किचन एप्लीकेंस, कंडीशनिंग सिस्टम्स, ऑल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी घर पर ज़्यादातर जो यूज आप करते हैं इलेक्ट्रिक चीज़ों का, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर काम करती हैं। वहीं पर द अलार्मिंग सिस्टम वर्क्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। वहीं पर अलार्मिंग सिस्टम जो होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर ही काम करता है। होम सिक्योरिटी सिस्टम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। इलेक्ट्रिक स्पीकर्स ऑल्सो वर्क ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यही चीज है, यानी कि जो घर में हम यूज कर रहे हैं एप्लीकेंस उन पर भी आपका यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी का। वहीं पर इंडस्ट्रियल फॉर्म में अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में अगर आप ये चीज़ें यूज कर रहे हैं तो वो वहां पर भी आ जाएंगी, है ना। वहीं पर और देखें, इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मशीन इन एन इंडस्ट्रियल एरिया इज जनरेटर और मोटर। जैसा कि हमने पीछे अभी पढ़ा था कि जो जनरेटर होता है हम उसको इंडस्ट्रियल पार्ट मानते हैं, तो जनरेटर या मोटर्स में भी आपका जो प्रिंसिपल काम करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही होता है, विच इज प्राइमरली सोर्स ऑफ पावर इन द इंडस्ट्री, क्योंकि यही सोर्स है पावर के इंडस्ट्री में। दिस जनरेटर और मोटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज सप्लाइड टू द मेन पावर सिस्टम बाई IC इंजन। ठीक है, यानी कि इनका काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और मेन सप्लाई पर क्या करती है, सप्लाई कर देती है विद द हेल्प ऑफ IC इंजन्स। दिस मोटर और जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल में भी इसका एप्लीकेशन है। देन आते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि होम एप्लीकेंस या फिर इंडस्ट्रियल में भी में ही इसका यूज है, जो कम्युनिकेशन आप करते हैं उसमें भी इसका यूज है। वो क्या है, इन द केस ऑफ मोबाइल फोन और एनी कम्युनिकेशन सिस्टम। मोबाइल फोन का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है क्योंकि सब लोग आज के टाइम में मोबाइल फोन यूज करते हैं। ठीक है, साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जो साउंड एनर्जी होती है वो कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में। नाउ द रेडियो ट्रांसमीटर ट्रांसफर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू द रिसीवर। यानी कि आपका जो ट्रांसमीटर है, मतलब आपने फोन पे बोला और वो आपकी साउंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और ट्रांसमिट करेगा थ्रू द ट्रांसमीटर। तो ऐसा तो है नहीं जो आपने बोला है वो उसी को ट्रांसफर कर देगा, पहले उसको वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम द ट्रांसमीटर। ठीक है, एंड एट द रिसीवर एंड
द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अगेन कन्वर्टेड इनटू द साउंड एनर्जी, जब रिसीविंग एंड पर रिसीव होगी या दूसरे जहां पर आपने कॉल किया है उस पर रिसीव होगी कॉल और वो उसको अटेंड करेगा, तो जैसे ही आपने बोला वो कन्वर्ट हुआ ट्रांसमीटर के थ्रू, ट्रांसफर हुआ और फिर जब वो उसके फ़ोन में पहुंचा ट्रांसमिट होके, तो उसके फ़ोन ने फिर उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया साउंड में और फिर आपको दूसरे फ़ोन में दूसरी साइड सुनाई देता है हेलो। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हम इसका यूज़ करते हैं। एंड इन द लास्ट मेडिकल सिस्टम, मेडिकल सिस्टम में आप जानते ही हैं MRI जो होती है, नर्वस डिसऑर्डर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका भी सॉल्यूशन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पर काम करके करते हैं। डायबिटीज़ हो गया, स्पाइनल कोड इंजरीज हो गई, अल्सर की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो डिसीज हैं इनका भी यूज़ या इनका भी ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी का। ठीक है, तो ये अलग अलग फील्ड्स में एप्लीकेशन होगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को एंजॉय करने के लिए आपका थैंक यू। लेक्चर कैसा आपको लगा उसके लिए कमेंट आप ज़रूर करें, चाहे कमेंट पॉजिटिव हो या निगेटिव हो आप कमेंट किया ज़रूर करें, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, यानी कि एट द ज़ीरो अमाउंट। ठीक है, और ज़ीरो अमाउंट पर ऐसा नहीं है कि बस काम चलाओ, आपको डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो जिससे कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का या आपके रिलेटिव्स का भी फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे वीडियो मिलेंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में मैं बता भी देता हूँ कि अगर आपको ये जो नोट्स आप देख रहे हैं एज इट इज़ अगर आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको एज इट इज़ PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, बट कोशिश करें अभी क्योंकि शुरुआत है हमारी, तो आप अपने नोट्स हैंड रिटन अपने आप बनाए वीडियो को देखते, वो ज़्यादा काम आएंगे एज कम्पेयर टू जो PDF हैं वो आपके फ़ोन में एज इट इज़ पड़ी रहेंगी, केवल स्पेस घेरेंगी और जैसे आपका सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा आप उनको डिलीट मार देंगे। ठीक है, तो मेरी राय है या मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप लोग वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए कोई भी सजेशन कोई भी कमेंट हो तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर। तो जुड़े रहिए और अपना विश्वास बनाए रखिए इंजीनियर्स गेटवे पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।